नमस्कार, मैं आनंद वर्धन थर्ड आई के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। कल देश में हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी के लोगों ने अनशन रख के जो संसद का बजट का दूसरा सत्र पूरी तरह से नहीं चल पाया, हंगामे की भेंट चढ़ गया, उसके विरोध में अनशन पूरे देश में रखा। मंत्री लोगों की ड्यूटी लगाई गई, कोई मंत्री बनारस में जाके, कुछ मंत्री पूरे देश में मंत्री लोग गए और उन्होंने इस अनशन का आयोजन किया। अनशन इस देश में अनशन को हथियार के रूप में गांधी ने सौंपा था और इसकी पवित्रता और इसकी मारक क्षमता जिसको बोलेंगे उसको गांधी ने बहुत ज़्यादा उस पर काम किया था। आज जब इस संसद में एनडीए का 2/3 बहुमत है, उसके बाद भी अगर संसद नहीं चल पाती है तो आम आदमी की समझ में नहीं आता है कि ये किसकी जिम्मेदारी है। जैसा कि प्रधानमंत्री का कहना है कि विपक्ष ने ये संसद नहीं चलने दी, ठीक बात है, विपक्ष ने शायद हंगामा किया, लेकिन आपके 2/3 बहुमत के बाद भी अगर आप संसद नहीं चला पा रहे हैं तो क्या 542 जब आपके सारे सांसद हो जाए तभी संसद चल पाएगी? क्योंकि ये समस्याएं रहेंगी। इसका कभी ये तय नहीं किया जा सकता है कि ये विपक्ष के चलते नहीं चली कि ये सरकार के चलते नहीं चली, लेकिन इतनी तय बात है कि जिम्मेदारी जब बांटने की बात आएगी तो ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी है, इस पे ज़रूर सवाल उठेगा। मेरी समझ में जो सरकार चलाता है, जो सरकार में है, जिम्मेदारी उसकी है। घर का मुखिया, मैंने अपने आप सब लोगों ने जिसने भी मैंने अपने पिताजी को कभी रोते हुए नहीं देखा, मैंने अपने पिताजी को कभी मजबूर नहीं देखा, दिक्कतें देखा, परेशानियों में देखा, चिंताओं में देखा। देश का प्रधानमंत्री चिंतित हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, परेशान भी हो सकता है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री मजबूर नहीं हो सकता है क्योंकि राष्ट्र मजबूर नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी को एक बात तो ये तय करनी है कि उनको मजबूरी का कोई इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं दिखाना है, क्योंकि प्रधान हमारा नहीं मजबूर हो सकता है। रही बात किसकी जिम्मेदारी थी किसकी जिम्मेदारी नहीं थी, तो ये तो प्रधान होने के नाते, ये तो सरकार होने के नाते जिम्मेदारी तो उनकी ही लेनी है, उनको ही लेनी होगी। ये एक अजीब सी बात है, किसी स्कूल में सब बच्चे मान लीजिए इम्तहान हो और फेल हो जाएं, या सब बच्चे स्कूल ना आए, तो क्या स्कूल का प्रधानाचार्य, स्कूल का प्रधान वो जाके प्रोटेस्ट करने लगे कि भाई इस स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होती है? तो इसकी मूल जिम्मेदारी तो आपकी है। हो सकता है कोई शिक्षक बदमाश हो सकता है कि विपक्ष नहीं चाहता हो, लेकिन जिम्मेदारी तो आपको लेनी थी। उस जिम्मेदारी से मेरी समझ में कहीं पे भाजपा एज पार्टी और सरकार एज कंप्लीट सरकार को इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। मैं कांग्रेस को भी इससे बरी नहीं करूंगा, क्योंकि कांग्रेस भी यही करती आई थी। आज की तारीख में कांग्रेस कितनी सीरियस थी, नहीं सीरियस थी, इसके तमाम रास्ते थे जो संसद में किए जा सकते थे। और अगर ये कोई भी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, कोई भी अगर इसके बारे में सीरियस है और इसके बारे में जैसा संवेदनशीलता ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारे MPs जितने दिन पार्लियामेंट नहीं चली है, वो करीब 1 महीने का पीरियड या 25 दिन का पीरियड है, अपनी सारी तनख्वाह मतलब केवल बेसिक नहीं, बेसिक अगर 50,000 रुपया है या आप बढ़ के 1 लाख होने वाली है तो उसके अलाउंस भी करीब 2 लाख रुपए होते हैं, अपनी सारी तनख्वाह अगर इन लोगों में ईमानदारी है, ये सारे संसद सदस्य चाहे किसी पार्टी के हों, अगर इनमें ईमानदारी है तो इनको अपने इन सारे तनख्वाह को कह देना चाहिए कि चूंकि मैंने काम नहीं किया इसलिए हम लोग इस तनख्वाह और अलाउंस को नहीं लेंगे, तब देश को लगेगा कि ये सारे लोगों में ईमानदारी है। लेकिन वहां पे सब लोग एकजुट हैं, वहां पे कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब इसको घेरने की बात आएगी किसकी वजह से नहीं चली,
तो कोई अनशन रखेगा, कोई कैंडल मार्च करेगा, कोई कहीं कुछ विरोध करेगा। तो मेरा सीधे सीधे आप सब लोगों से भी आग्रह है, ट्वीट के जरिए अपने आसपास लोगों से कह के, ये जो जनप्रतिनिधि हैं जो चुन के हमने भेजा है, इन्होंने अगर काम नहीं किया है, वो किसी भी दल के हों, उनको अपने पूरी तनख्वाह इस दौरान की स्वेच्छा से कह के कोई प्रधानमंत्री राहत कोष या किसी भी राहत कोष में, देश में बहुत सी समस्याएं हैं, उस कोष में अपने उस पैसे को डाल देना चाहिए। अगर आपको हमारा थर्ड आई एपिसोड सामयिक विषयों पर ठीक लग रहा है तो आग्रह है कि इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।